बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हुकूमत की तरफ से चलाए गए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम चलने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कम से कम 15 से 20 प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से आने वाले हैं जो चलाए जाएंगे, ठीक है। जिसमें पहले ही प्रोग्राम्स कुछ चल रहे हैं, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम चल रहा है, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम चल रहा है, एहसास राशन प्रोग्राम चल रहा है और ऐसे कई प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। और अब वैसे ही एक और प्रोग्राम का भी आगाज़ कर दिया गया है और मज़ीद 15-20 प्रोग्राम्स भी आने वाले हैं। जवान प्रोग्राम चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं तमाम प्रोग्राम्स को लम्हा बलम्हा आप लोगों के साथ शेयर करता आया हूँ। जो उनकी अपडेट आई है, जो उनका वेब पोर्टल आया, जो उनकी वेबसाइट्स आई या फिर उनके एप्लीकेशंस आई, रजिस्टर करने का तरीका हो या फिर उसकी कोई भी किस्म की आपको तकलीफ़ हो, परेशानी हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता आया, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता आया इसी चैनल पर। तो जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि अगली इस तरह की जो अपडेट आए, इस तरह के कोई न्यू प्रोग्राम आए तो मैं वीडियो डालूं तो फौरी तौर पर आप उसका फ़ायदा उठा सकें, आप तक पहुंच सके। अब एक नया प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, 10 अगस्त से इसका आगाज़ कर दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, जिसका नाम है एहसास नशोनुमा प्रोग्राम। अब ये एहसास नशोनुमा प्रोग्राम क्या है, इससे कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर जान लेते हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। तो ये एहसास नशोनुमा प्रोग्राम क्या है, इस पर जान लेते हैं तफसील के साथ। देखिए, ये एहसास नशोनुमा प्रोग्राम एक ये ऐसा प्रोग्राम रखा गया है जिसमें मेरी माएँ और बहनें जो हामला हैं या फिर जिनके 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो वो उनके लिए मराकज़ बनाए गए हैं और ये मराकज़ जो बनाए गए हैं सारे पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। अभी ये पहला मरहला शुरू हुआ है तो पहले मरहले में 9 अज़ला में 33 मराकज़ बनाए गए हैं, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और साथ में नाम लेकर सुना बताऊँगा ताकि आपको परेशानी ना हो कि किन किन शहरों में ये मराकज़ बनाए गए हैं और स्टार्ट कर दिया गया है पहले मरहले में। तो अब आप स्क्रीन पर देख लें पहले। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं फार्म, साथ साथ मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में मुल्क भर के 9 अज़ला में मजमूई तौर पर 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। माह अगस्त के आखिर तक तमाम मुल्क में पहले मरहले के 33 नशोनुमा मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे। पहले मरहले के 9 अज़ला में खैबर, अपरदीर, बाग, गज़र, हंडड़ा, खारमिंग, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। सुबह पंजाब में ज़िला राजनपुर में 4 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। सुबह सिंध में ज़िला बदीन में 6 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। सुबह खैबर पख्तूनख्वा ज़िला अपर दीर में 6, खैबर में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम हो चुके हैं। सुबह बलूचिस्तान में ज़िला खारान में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़िला बाग में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 6 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। ओके जी, ये थे मराकज़ जो पूरे पाकिस्तान में जो कि 9 अज़ला में पहले मरहले में स्टार्ट किए गए हैं 33 मराकज़, ठीक है। ये आपके आसपास करीब अपने शहर में जो शहरों के नाम मैंने आपको बताए, इन शहरों में जाकर अपना करीबी मराकज़ का इसका पता करें, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का है तो वहाँ जाकर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, पहले नंबर पर कि इस पर औरत जो कि माँ है या फिर बच्चा है उसकी सेहत के हवाले से चेक किया जाएगा। उसके अलावा उन्हें हिफाजती कोरस किया जाएगा, उन पर इंजेक्शन जो टीके होते हैं हिफाजती टीके, मुकम्मल कोरस उन पर लगाया जाएगा। उसके अलावा अगर उनमें कोई ग़िज़ा की कमी है, सेहत में कोई मसला है तो उसके हिसाब से उनको खुराक फराम की जाएगी। वो खुराक उस बच्चे के लिए और उसकी माँ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। एक साशे से हैं जो कि बहुत ही अच्छे, वो ताकतवर हैं, जो कि माँ को भी ताकत फराम करते हैं और बच्चे को भी वो ताकत फराम करते हैं, जो कि उनको वो खुराक भी फराम की जाएगी और उन्हें उनकी सेहत के बारे में भी बताया जाएगा कि अब उनको मुतल्ला किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें वज़ाइफ भी रखा गया है। जी हाँ, इसमें जो वज़ाइफ रखा गया है वो जो बच्चियों के लिए है, जिनको बच्ची होगी या पैदा है 2 साल से कम उम्र की बच्ची है तो उनके लिए 2000 रुपये बच्ची के लिए रखा गया है वजीफ़ा पर मंथ, ठीक है, पर माह, हर महीने। और उसके अलावा जो बच्चा होगा, लड़का होगा, उसके लिए 1500 रुपया माहाना रखा गया है। और ये उनके बच्चों की सेहत और तालीम के लिए पैसे रखे गए हैं, जो कि उनकी सेहत और तालीम पर खर्च किए जाएंगे। उनके घर वालों को, उनकी माँ को पैसे ये दिए जाएंगे पर महीने के 2000 रुपये बच्ची को और पर महीने के 1500 रुपये बच्चे को। और ये पैसे जो लेने का तरीका कार रखा गया है, वो रखा गया है उन्हीं जो के मराकज़ बनाए गए हैं एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के, उनमें ATM मशीन्स लगाई गई हैं।
उन एटीएम मशीन्स के थ्रू आप वहाँ से ये रकम वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक ऐप भी लॉन्च कर दी गई है, उसके लिए आपने गूगल में जाना है, गूगल में जाके लिखना है या स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि www.tech2time.com, इसको सर्च करके इस वेबसाइट पर आपने जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट का आपको शो हो जाएगा, इस वेबसाइट पर जाकर आपने एहसास प्रोग्राम सर्च करना है, वहाँ से जाकर आपने इसका मज़ीद भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो भी नई एप्लीकेशंस आएंगी, जो नए वेब पोर्टल आएंगे, वो आपको इसी वेबसाइट में मिला करेंगे। बाकी इस तरह से एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का आप फ़ायदा उठा सकती हैं, तो इसमें आप देर ना करें, ये आपके फ़ायदे के लिए है। जैसा कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम आया तो काफ़ी लोगों ने यकीन ही नहीं किया, नहीं जी ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये वो। जब चलना शुरू हो गया, लोगों को पैसे मिलना शुरू हो गए, तो उसके बाद मुझे खुद इतने मैसेज आए कि भाई अब हम रजिस्टर होना चाहते हैं, भाई प्लीज़ कोई तरीका बताओ अब भी रजिस्टर होने का, भाई कोई तरीका, भाई हमने खुद से तो वेबसाइट बनाई नहीं थी, ये तो हुकूमत की तरफ से ऐलान था, जितने दिन जो लिमिट रखी गई थी वो ख़त्म हो गई, मुद्दत उसकी ख़त्म हो गई, अब अप्लाई नहीं कर सकते थे आप। तो फिर वो काफ़ी मुझे मैसेज आते रहे, तो उसका हल भी हुकूमत ने निकाल लिया है जो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, और उसके अलावा जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पैसे ले भी लिए हैं, उनको अगेन भी पैसे देने का ऐलान हो चुका है। वो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सारा मुकम्मल तफसील के साथ आप लोग साथ शेयर करेंगे। वो वीडियो भी आपने लाजमी से वॉच आउट करनी है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी इस प्रोग्राम के हवाले से वीडियो अपडेट्स आएंगी वो आपको इसी चैनल में लाजमन मिलती रहेंगी। और जो भी प्रोग्राम, ये एहसास का नाम जो चल रहा है, एहसास प्रोग्राम की तमाम अपडेट्स आपको अब इस चैनल पर डेली बेस पर मिला करेंगी इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।